रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं जुलेखा, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कन्हैया कुमार ने आज कहा कि CAA और NRC हिंदू और मुसलमान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाफ है। सरकार आर्थिक मंदी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए यह कानून ला रही है। यह कानून देश की भावनाओं और संविधान के खिलाफ बिहार में वामपंथी पार्टियों के बंद में शामिल होने के लिए कन्हैया कुमार डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने 21 दिसंबर को RJD की तरफ से बुलाए गए बिहार बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। आज लेफ्ट पार्टियों ने जो बिहार बंद बुलाया है उससे RJD ने खुद को अलग कर लिया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच कन्हैया कुमार ने फेसबुक पेज पर पोस्ट लिखते हुए कहा, आज एक भारतीय नागरिक का पहला कर्तव्य भारतीय संविधान को भारत की सरकार से बचाना है। चुप मत रहिए, हिंसा मत कीजिए। कन्हैया कुमार ने ये भी कहा कि इस कानून की वजह से बिहार प्रभावित होगा। जब सरकार लोगों से दस्तावेज मांगेगी, दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता तय नहीं की जा सकती। यह देश अपनी गति से चल रहा था, यह कानून और NRC देश को बांटने के लिए है। अहम मुद्दों से ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया गया है। ये कानून गरीब लोगों के लिए परेशानी है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कन्हैया कुमार ने दिल्ली के जमिया मिलैया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन न केवल मुस्लिमों को बचाने की लड़ाई है बल्कि पूरे देश की रक्षा की लड़ाई है। जामिया के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार ने JNU में प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया। बिहार में राजधानी पटना से लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में बंद का प्रभाव देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं लेफ्ट छात्र संगठन ISSF ने राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका और नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा, आरा, जहानाबाद में भी रेल सेवाएं प्रभावित हुई। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने NH व अन्य प्रमुख मांगों को भी जाम किया। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारत लाइव पर। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर। शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।